हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 फरवरी और आज मैं एक अमेजिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ। सो अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो रेलवे स्टेशन जाके बात करता हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और ये सबका ड्रीम होता है कि ये ट्रिप एक बार करनी है। सो आप गेस कर सकते हो, बट हाँ, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में पता चलेगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। सो सी यू डायरेक्टली एट द रेलवे स्टेशन। और गाइस, हमारा ट्रिप यहाँ ये ट्रेन से शुरू हो रहा है और गाइस हम लोग जा रहे हैं। स्विमिंग चैंपियन गाइस, लाइक दैट वी हैव रीच्ड गोवा मडगांव स्टेशन। पर हमारा ट्रेन इतना लेट था ना, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स लेट था, तो हम लोग थोड़ा स्केड्यूल से पीछे है। बट हाँ, चलो फटाफट जाते हैं, होटल पहुँचते हैं और फिर रेंट करते हैं बाइक्स। सो बाइक्स मतलब स्कूटर्स, तो चलो चलते हैं। This was a small room tour और we are staying at Amigos Hotel। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपको आना है तो आप डू चेकआउट, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। और अभी हम फटाफट फ्रेश हो गए। आज का जो प्लान है वो है कि सबसे पहले हमें रेंट करनी है स्कूटीज और कार, जो भी करना है वो करना है, एंड देन वील गो फॉर ब्रंच, एंड देन हमारा आज वाटर स्पोर्ट्स का करने का प्लान है। सो यप, फटाफट फ्रेश हो गए, मतलब कि ऑलरेडी ट्रेन की वजह से लेट हमें। यप, तो सबसे पहले प्लान है कि पहले स्कूटर्स लेंगे, कार लेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग लंच करने। ब्रंच करना था बट लंच का टाइम हो गया, 12:30 हो गया, और फिर उसके बाद जाएंगे हम बीच पे टू डू वाटर स्पोर्ट्स। ये अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं कि एक्टिवा और कार का क्या रेट होगा, तो हमने फाइनलाइज कर दिया। हमें ना ये होटल वाले ने एक नंबर दिया था, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर डाल पाऊंगा तो। और हमें वो लोग एक्टिवा मतलब स्कूटर दे रहे फॉर 300 पर डे, और हमने कार भी ली है, दैट इज़ i10 ग्रैंड, वो हमें दे रहे हैं वो लोग फॉर 1000 पर डे। सो ये यहाँ पे रेट है, तो अगर आपको अगर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो नंबर पे जाके कॉल कर सकते हो। और एक बार वो यहीं पे हमें देने वाले कार और एक्टिवा, एक बार हम देख के मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं उतने के लिए। गाइस, एट लास्ट गाड़ी मिल गई। एक तो ये लोग पेट्रोल लेते नहीं है और यहाँ से पेट्रोल पंप दूर था, तो अभी सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग खाना खाने? कैलाश पर्वत चेंज हो गया। हाँ, तो नहीं जा रहे अभी, वो 20 मिनट दूर है या 8 मिनट दूर है, लोग चक्कर आके मरने वाले। ओके, तो चेंज इन प्लान, अभी कैलाश पर्वत जा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या हो गया। कैलाश पर्वत हाँ, माय गॉड, डाला ना तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तेरे पीछे पीछे आते हैं 1.8 किलोमीटर। सो गाइस, चलते, सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है। बाय बाय गाइस, राइट नाउ एट लास्ट हम लोग, सबको इतना भूख लगा है, हम लोग आ गए कैलाश पर्वत। ये गाड़ी लेने में हो सके तो जल्दी सुबह को ही ले लो, क्योंकि जैसे ही दोपहर होता है मतलब भूख लगता है। हम लोग को ट्रेन लेट हो गई इसलिए सब लेट हो गया, बट हाँ अभी हम लोग खाना खा के फिर जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स करने। अब ना वाटर स्पोर्ट्स का बीच कौन सा फाइनल हुआ? सिंक्वेरियम भी जाएंगे। सो खाना है क्यों
गाइस हम लोग आ गए सिंक्वेरियम बीच और यहाँ पे हम करने वाले वाटर स्पोर्ट और क्या ब्यूटीफुल बीच एकदम ऐसा ब्लू लग रहा है। इंडिया में ब्लू बीच देख के ऐसा लगता है अरे वाह अच्छा है कुछ, मतलब कितना भी ब्लू नहीं है बट अच्छा है। And guys, right now we are going for parasailing. Phone भूल गए थे, भाग के वापस वहाँ तक जाना पड़ा। But हाँ यहाँ का पानी बहुत क्लीन है, हम लोग ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया पानी में और अब जा रहे parasailing। भाई बोट आ गए हम लोग जाते हैं। बाय, मिलते हैं parasailing के वक्त। Guys ready? भाई अरे पर नीचे जब हम लोग को डिप करना है तभी जेलीफिश था तो थोड़ा डर है कि स्टिंग कर लिया तो पर मजा आ गया। हाँ लिटरली जेलीफिश में गिरे हम लोग। हाँ जेलीफिश था भाई बहुत सारा था जेलीफिश है। एंड गाइस हमारा हो गया पैरासेलिंग, बहुत ज्यादा मजा है, सबको बहुत ज्यादा मजा है और अच्छा हुआ है। मैं ना फोन हम लोग वहाँ पे शैक पे बैठे थे ना वहाँ पे छोड़ के गए थे कि गीला हो जाएगा बट फिर पता चला कि लेके जा सकते हैं तो इधर से वहाँ तक भाग के गया पर वर्ता बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे ये बीच पे आ रहे हो तो अच्छा बीच है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब मुंबई से कंपेरिटिव बहुत क्लीन है और जो भी कचरा है वो भी मेजरली सीवीडी लग रहा है और अंदर हमने जेलीफिश भी देखी। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा फन एक्सपीरियंस था ये बीच पे। अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस होटल, फ्रेश होंगे और फिर मोस्टली हम जा रहे हैं थलासा। सो यप मिलते हैं जब ही निकल रहा।
और गाइस ये सिंक्वेरियम बीच है, सो मतलब अगर आ रहे हो यहाँ पे तो ये वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड भी कम है और बीच भी क्लीन है और ब्यूटीफुल है, अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम पीसफुल। सो मे बी हम लोग जो टाइम पे आए वो वैसा है, बट अगर आ रहे हो तो ये बीच आना ज़रूर, इट्स अ गुड प्लेस टू कम। सो या चलो अभी डायरेक्टली जाते हैं, जब भी हम लोग खुलासे के लिए निकलेंगे तब मिलते हैं। सो यप, एंड जो आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं ना वो अलग ही वाइब है, सब लोग खड़े, ये एक जो ड्रीम होता है ना कि फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना है, उसका आके पता चलता है कि क्यों इतना हाइप होता है। जस्ट गूफिंग अराउंड, यप, सो ये वर्थ ट्रिप है। और गाइस एट लास्ट हम लोग आ गए वापस बीच से, बस फ्रेश हो गए, अभी हम जा रहे हैं क्लब थलासा। अभी प्लान तो ये, पर हमारे होटल से ऑलमोस्ट 37 मिनट दूर है, 14 किलोमीटर, तो अभी सब लोग बहुत ज्यादा लेट है, तो देखते क्या होता है, बट अभी प्लान तो है थलासा जाना है, सो देखते। We do it there.